हर हर गंगे दोस्तों। तो अपने वीडियो की नेक्स्ट कड़ी में हम पहुंचे हैं गंगा तट के किनारे रामझूला। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे राइट साइड में यहाँ पर रामझूला है, जो कि 90 से 100 साल पुराना अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। इस रामझूला की खासियत यह है कि ये 450 मीटर लंबा और बीच में कोई भी पिलर नहीं है, और जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो ये धीरे धीरे से झूलता है। तो अगर आइए आपको लेके चलते हैं इसके ऊपर। जब आप त्रिवेणी घाट से लगभग 3 किलोमीटर आगे जाते हैं तो आपको पड़ता है रामझूला, और ये देखिए राइट साइड में आपके रामझूला का एंट्रेंस गेट है, और राइट साइड में ही देखेंगे तो पार्किंग भी यहीं पे है। अगर आप फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो आपको अपनी फोर व्हीलर यहीं पे पार्क करनी पड़ेगी, टू व्हीलर लेके आप आगे जा सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे पार्किंग में लगाना चाहें तो यहाँ से लगा के आगे वॉक करके भी जा सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो पहुँचते हैं रामझूला के एंट्रेंस गेट पे, और इस पे लेके चलते हैं आपको अब आगे। आप जैसे ही रामझूला पे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको महसूस देने लगेगा कि ये है धीरे धीरे हिल रहा है, और आप ऐसे जा रहे हैं जैसे झूलते हुए जा रहे होंगे, इसलिए इसको रामझूला कहा जाता है। वैसे काफ़ी सफ़र बाकी है, बट आपको वीडियो में तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट हम महसूस करते हैं कि ये पूरा का पूरा पुल हिल रहा है। अगर तुम दिखा सकते हो तो केबल देखे तो पूरी केबल हिल रही हैं और पूरा महसूस हो रहा है। और जब इसके ऊपर आते हैं तो ऊपर का नज़ारा ही अलग है पहाड़ों का देखने के लिए। आप देखिए कितना मनमोहक दृश्य है, यहाँ से गंगा जी पहाड़ों के बीच से निकलती हुई आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे छोर पर चलते हैं। दोस्तों ये क्लिप उन लोगों के लिए है जो अभी तक रामझूला या ऋषिकेश नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमने आपको फास्ट फॉरवर्डिंग में रामझूला के दर्शन कराए हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती, और टू व्हीलर से निकलना तो बड़ा ही मुश्किल होता है। जब हम इस ब्रिज के ऊपर आते हैं तो यहाँ से गंगा जी का नज़ारा देखने लायक होता है, आँखों को सुकून देता है। ठंडी ठंडी हवा गंगा जी को छू के जब आती है तो बड़ी ही सुहावनी होती है। तो रामझूला का सफ़र करते हैं यहीं पर समाप्त, और लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों नए पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, और नया पड़ाव है ऋषिकेश के अंदर गोवा। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल ऐसे है कि यहाँ पे गंगा के द्वारा बनाया हुआ प्राकृतिक एक बीच है जिसको आप इंजॉय कर सकते हो। अगर आपका जो है पाप धोने का मन नहीं है और खाली इंजॉय करने का मन है तो आप इस बीच पे आके आनंद ले सकते हो। और अभी तो क्योंकि गंगा जी में पानी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए प्रॉपर बीच आपको दिखाई देगा नहीं, बट हल्की सी थोड़ी रेत दिखाई देगी। बट गर्मियों में ये गंगा जी काफ़ी नीचे तक बहती हैं और काफ़ी दूर तक रेत दिखाई देता है। तो चलो लेके चलते हैं और दिखाते हैं कैसा है ये नज़ारा। ये हम एंटर कर रहे हैं गोवा बीच पे, और आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल एक प्राकृतिक बीच से कम नहीं है। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट यहाँ पे नॉर्मल डेज में काफ़ी भीड़ होती है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप जब भी यहाँ पर नहाएं तो थोड़ा संभल कर नहाएं। अभी यहाँ पे एक लेडी को नहाते हुए बड़ी तेज पत्थर लग गया, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके लिए एक सजेशन है कि आप जब भी अगर यहाँ पे आते हैं और नहाते हैं तो आप केयरफुल रहें और अलर्ट रहें, क्योंकि यहाँ पे हर साल काफ़ी इंसिडेंट होते हैं। तो आप ज़्यादा गहरे पानी में जाने की कोशिश ना करें, हो सके तो किनारे पर रहकर ही नहाएं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी इंसिडेंट होने का खतरा बना रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर दूर तक नज़र डालोगे तो आपको पत्थर और रेत ही नज़र आएंगे। अब एक बार आप सोचिए, बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडा पानी और आप पहाड़ों के बीच में नहा रहे हैं, एक दोनों तरफ तुम्हारे पहाड़ और गोवा का बीच, तो इस चीज़ में यहाँ पे नहाने का आनंद जो होगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आप यहाँ पे कपल्स में आ रहे हैं
तो जो त्रिवेणी घाट है वो एक बहुत ही पवित्र जगह है, वहाँ पे कुछ भी मतलब रोमांस वगैरह ना करें। अगर आपको रोमांस वगैरह करना है तो ये जो गोवा बीच है आप यहाँ पे आके कर सकते हो, और आपने देखा ही होगा कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, तो यू कैन इन्जॉय हियर अ लॉट। हर हर गंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि एक्चुअल में ये मिनी गोवा बीच है कहाँ पे, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने बिल्कुल राम झूला है। जैसे ही आप राम झूला पार करोगे उससे थोड़ा सा 50 मीटर आगे चलोगे तो वहाँ पे बाइक वगैरह आप अपनी खड़ी कर सकते हो। अगर कार से आ रहे हो तो फिर आप यहाँ से नहीं आ सकते, आपको घूम जाना पड़ेगा। तो बेस्ट यही है, अगर कार से आ रहे हो तो लक्ष्मण झूला से पहले एक जगह है कार पार्किंग की, वहाँ पर अपनी कार खड़ी करें और फिर पैदल पार करके आप इधर आ सकते हो। राम झूला जैसे ही आप पार करोगे और आप राम झूला पार करके 50 मीटर आगे चलते नीचे आप बीच पे आ सकते हो। दोस्तों अपना मिनी गोवा बीच का सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने नए डेस्टिनेशन की ओर। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपने अगले पड़ाव पे लक्ष्मण झूला। तो सुरक्षा कानून के कारण इस झूले को अभी बंद कर दिया गया है। ये झूला भी सेम जैसे हमने अभी राम झूला देखा था उसी की तरह 450 मीटर लंबा और बिना किसी पिलर पे टिका हुआ है। और अगर इसकी आपको मान्यता बताएं तो कहा जाता है कि इस जगह पे श्री लक्ष्मण जी ने जूट की रस्सी के सहारे गंगा जी को पार किया था, तभी से जब यहाँ पे पुल का निर्माण हुआ तो उस पुल का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। तो मैं करता हूँ इस लोहे के गेट से एंटर और अब हम हैं लक्ष्मण झूला के ऊपर। गायें भी विश्राम कर रही हैं और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। अगर आप देखें तो पहाड़ों का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा, जैसे लक्ष्मण झूला राम झूला ब्रिज है ऐसे ही यहाँ पे एक और नया ब्रिज रेडी हो गया है जिस पे कभी आपको लेके चलेंगे। अभी लक्ष्मण झूला का आपको कंप्लीट व्यू दिखा देते हैं, उसके बाद आपको हम लेके चलते हैं एक ऐसे घाट पे जो कि बड़ा ही शांत है। अगर आपका मेडिटेशन करने का मन है या ध्यान लगाने का मन है तो आप उस घाट पे जा सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अभी कर रहे हैं हम लक्ष्मण झूला से एग्जिट, और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि मैं अभी जो मैंने एग्जिट किया है वो रोड साइड किया है, मतलब अगर आप मेन रोड से आते हैं तो ये आपका एंट्रेंस पॉइंट होगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे लक्ष्मण झूला है जो कि अभी पूरी तरह से क्लोज तो नहीं है बट वैसे क्लोज है, और अभी तक जो हमने आपको दिखाई वो सारी चहल पहल वाली जगह थी, शोर शराबा था। अगर आप यहाँ पे पीस के लिए आ रहे हैं और थोड़ा ध्यान लगाना चाहते हैं तो लक्ष्मण झूले के पास में ही आप जैसे ही लक्ष्मण झूले को जैसे पार करोगे और वहाँ से ऊपर थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ के राइट लोगे, राइट लेके आगे बढ़ते हैं तो नीचे ढलान पे एक रास्ता आता है जो आपने वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उस रास्ते से आते हुए आगे आप नीचे आते हो तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा घाट बना हुआ है। तो मतलब अभी तो बिल्कुल क्राउडेड नहीं है, और पहले जनरली पहले भी हमने यहाँ पे विजिट किया है तो घाट कभी भी क्राउडेड नहीं होता है। तो आप यहाँ पे आके बैठ के ध्यान लगा सकते हैं, आराम से बैठ के गंगा जी के किनारे पत्ते आनंद ले सकते हैं। तो आइए चलो दिखाता हूँ आपको ये। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको लेके जा रहे हैं श्री सत्य साई घाट, और अगर आप मेन रोड के साइड से आ रहे हैं तो लक्ष्मण झूला के सामने से आपको आगे आना है और फिर वहां से आपको नीचे एक रास्ता दिखाई देगा, उससे आप जैसे ही नीचे आओगे तो आप इस घाट पर पहुंच जाओगे। और ये घाट आधे से ज़्यादा कवर किया हुआ है, इस पर टीन सेट डला है और आप यहां देख सकते हो कि माता सरस्वती की लगभग 10 फीट ऊँची मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, और उन्हीं के बगल में शिव जी की एक छोटी मूर्ति है और उसके सामने महाराजा भागीरथ बैठ के तपस्या कर रहे हैं। ये बड़ा ही सुंदर नज़ारा है, इस घाट पे आके एक अलग ही शांति की अनुभूति होती है। चलिए दूसरी साइड से भी आपको घाट दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये घाट बिल्कुल ही खाली और सुनसान है। अभी लेके चलते हैं आपको घाट से थोड़ा आगे। यहाँ पे ऊपर तो स्टेयर्स बनी हैं बट नीचे ऐसे ही खाली स्टोन्स हैं।
यहाँ से 13 मंजिला मंदिर का नज़ारा देखने लायक है। दोस्तों, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बाबा जी से कुछ ज्ञान की बातें की थी, लेकिन आज हमें कामयाबी नहीं मिली। हमने सोचा था कि आपकी बात इन दो देवियों से कराएंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे बहुत मौके आएंगे और आपकी बात किसी और से कराएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो ये था आज का हमारा सफ़र। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट में क्या देखना चाहते हो, ताकि हम आपको उस जगह पे जाके उसका व्यू दिखा सकें। और हाँ, एक बात और, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बड़ी एक्साइटिंग आने वाली है। अगर आपने पहले ऋषिकेश विजिट किया है, मैं गारंटी देता हूँ कि 10 में से 8 बंदों ने जिस प्लेस को हम घुमाने ले जा रहे हैं वो आपने कभी विजिट नहीं किया होगा, और वो बहुत ही खूबसूरत है। तो बी रेडी फॉर दैट।